नमस्कार, न्यूज इंडिया का फेसबुक पेज लाइव देख रहे हैं आप मेरे साथ, मैं हूं गौरव मिश्रा। बात आज करेंगे कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। कश्मीर के अलगावादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया और गिलानी के निधन के बाद से पाकिस्तान का एक नया जो प्रेम है गिलानी के प्रति, वो निकल करके सामने आया है। गिलानी की मौत के बाद पाकिस्तान ने अपने यहाँ राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि कितना प्यार गिलानी के साथ पाकिस्तान का था। यहां तक कि पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि एक नारा था पाकिस्तान का, उस नारे को भी पाकिस्तान याद कर रहा है, हम पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान और पाकिस्तान हमारा, ये नारा पाकिस्तान याद कर रहा है। यह नारा किसने दिया था? सैयद अली शाह गिलानी की तरफ से दिया गया था। जाहिर सी बात है कि पीछे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, आज के 4 साल पीछे जाकर के देखें, तो जिस तरीके से सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियत दिखाई थी वहाँ रहते हुए, जो उनके मंसूबे थे पूरे देश ने देखा, और अब उसकी मौत के बाद से पाकिस्तान का ये प्रेम जग जाहिर है। पाकिस्तान में राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान में भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने ये कहा कि बहुत दुख की घड़ी है और वो कभी इसको, मतलब उनकी कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस आतंकवाद से पूरा भारत जूझ रहा है, और जब धारा 370 को लेकर के जब भी बात होती थी तो पाकिस्तान के अंदर जो मंजर देखने को मिलता था, कर्फ्यू लगा दिया जाता था, पत्थरबाजों की एक गैंग जो थी वो सक्रिय हो जाती थी, और पूरे बात करें पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया जाता था मानो कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन धारा 370 हटने के बाद से अब जिस तरीके से वहाँ विकास हो रहा है, नई नई कंपनियाँ वहाँ पहुँच रही हैं, वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, तमाम अलगावादी जो सोच के नेता थे वो नज़रबंद दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में गिलानी के मौत के बाद पाकिस्तान का ये प्रेम साफ समझ आ रहा है कि आतंक को फंडिंग कौन करता था, वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के साथ रही हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने पिछले साल गिलानी को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया था। समझ रहे हैं, यानी कि जो पूरा इनका रिलेशन है वो किस तरीके का है, और इस पूरे संबंध को पाकिस्तान किस तरीके से भुना रहा है ये भी समझ आ रहा होगा। हालांकि अगर सैयद अली शाह गिलानी की बात करें, अलगावादी नेताओं में इनकी जो छवि थी बहुत अलग थी, कट्टर सोच के व्यक्ति थे, और जब भी जम्मू कश्मीर में आतंक का नाम आता था या कोई ऐसी गतिविधि जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलती थी जिस पर हंगामा हो, सड़कों पे पत्थर दिखे, पत्थरबाजों का गैंग सक्रिय हो, हमारी सेनाओं के ऊपर पत्थर बरसे, उसमें ये लगातार निकल करके सामने आ। जाहिर सी बात है, मोदी सरकार के गठन के बाद से जिस तरीके से कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के तमाम उन हिस्सों में जिस तरीके से काम होना शुरू हुआ, उससे ये अलगावादी सोच के नेता बैकफुट पर चले गए, और इस तरीके से बैकफुट पर गए कि धीरे धीरे ये ख़त्म ही हो गए, और 92 साल की उम्र में गिलानी का निधन हो गया। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से पाकिस्तान का आतंकवाद के प्रति जो प्रेम है वो पूरा देश देख रहा है। ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब ये पूरी एक सहानुभूति कार्ड पाकिस्तान की तरफ से खेला जा रहा है, वो समझने वाला विषय है कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। आज के 4 से 5 वर्ष पहले जो स्थितियां वहां पर बनी होती थी, उन स्थितियों का जिम्मेदार कौन था? भले वैश्विक स्तर पे जब बात होती थी तो पाकिस्तान अपने कदम पीछे खींच लेता था, पाकिस्तान कहता था हमारे लोग नहीं हैं, पाकिस्तान ये भी कहता था कि हम किसी तरीके की अशांति घाटी में नहीं फैला रहे हैं, लेकिन बार बार यही पाकिस्तान है जो राग अलापते आता है कि वो तो हमारे पाकिस्तान का अभिन्न अंग है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं अब समझ आ रही हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक एक जो मंत्री हो या वहां का कोई भी पॉलिटिकल विंग का नेता हो, आज दुख जाहिर कर रहा है और अपना जो प्यार है वो गिलानी के प्रति समर्पित कर रहा है। फिलहाल फेसबुक लाइव में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और न्यूज़ इंडिया के इस पेज को शेयर करिए।